सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिमिश व्लॉग में। सो गाइस, आज है संडे और आज है हमारी मम्मी का बर्थडे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो हमको पता तो नहीं है हमने क्या लेना है, पर मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन है मेरे साथ और मेरा दोस्त है मेरे साथ छोटा। केक हमने ऑर्डर कर दिया, पहले हम गिफ्ट लेने जाएंगे फिर हम केक लेने जाएंगे। तो देखते हैं गाइस क्या लेते हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है हमको क्या लेना है, पर कुछ ना कुछ लेने तो हम जा रहे हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में। सो गाइस, अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी हम उतरेंगे और देखेंगे आगे पीछे दुकान है, क्योंकि मैं बहुत कम आता हूं इधर पे तो पता नहीं दुकान होगी। मैं सोच रहा हूं कुछ सूट वगैरह ले लूं मम्मी के लिए, क्योंकि और कुछ मेरे को पता तो है नहीं लेंगे क्या। तो सूट वगैरह देखते हैं, अगर कोई अच्छा मिल गया तो सूट वगैरह ले लेंगे, या तो फिर कोई कुर्ता या कुछ भी देख लेते हैं। तो अभी दुकान पर जाके ही पता लगेगा गाइस क्या लेंगे, देखते हैं वैरायटी ऑफ सूट्स क्या निकलता है। तो मिलते हैं सीधा आपको अभी दुकान पे, चलते हैं सीधा अभी दुकान पे। सो गाइस, अभी हम दुकान पे पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कुछ सूट वगैरह कुछ मिल जाए, पर यहाँ पे अभी हम कुर्ते देख रहे हैं। तो देख सकते हो आप कुर्ते, और दिखाना भैया शरारा कैसा है। ओके, ब्लैक कलर डाल, ब्लैक दिखा दो। सो गाइस, अभी हमने सूट ले लिया बहुत ही मुश्किल से, मतलब समझ कुछ आ नहीं रहा था, पर हमने आखिरकार ले ही लिया एक सूट। थोड़ा मतलब मम्मी करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ के टाइम लगा सके वैसा एक सूट ले लिया हमने। हमको 1000 रुपये का पड़ गया वो सूट, एकदम मेरे को तो अच्छा लगा। अब पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सूट हमने ले लिया है और अब हम लेने जाएंगे केक। बस एक सूट लेना था हमने, तो अब हम केक लेने जाएंगे। तो केक लेकर हम सीधा घर जाते हैं और फिर बाद में केक की कटिंग करेंगे जब पापा आएंगे शाम को। तो अभी पहले चलते हैं सीधा केक लेने। सो गाइज, अभी हमने सूट तो ले लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए बेकरी के बिस्किट लेने। और मैं जब भी नगरोटा आता हूँ गाइज, बेकरी के बिस्किट लेकर जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे वहाँ तो बेकरी कोई है नहीं जगती में। तो यहाँ पे एक बेकरी की दुकान है, बहुत ही अच्छे बिस्किट बनाता है। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ बिस्किट लेने, इतनी दूर आया और बिस्किट ना लिए, ऐसा हो नहीं सकता। बिस्किट लेना ज़रूरी है गाइज, मेरे फेवरेट है बेकरी के बिस्किट। तो अभी हम रस्ते में हैं नगरोटा मार्केट में, तो देख ही सकते हो आप। और मौसम भी थोड़ा ठीक ही है, गर्मी है थोड़ी सी, चलेगा उस हिसाब से। तो गाइस, अभी मैं बेकरी की दुकान पे पहुंचने वाला हूँ। सो गाइस, ये रही बेकरी की दुकान। सो गाइस, अब हम यहाँ से लेंगे बिस्किट। सो गाइस, अभी हमने बिस्किट ले लिए, देख सकते हो आप क्या वैरायटी ऑफ बिस्किट्स एंड केक्स है यहाँ पे। देख सकते हो गाइस कितने ज़बरदस्त केक है, और पेस्ट्री और पुडिंग्स भी देख सकते हो। ये पुडिंग है क्या है, पर जो भी है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो गाइस। सो गाइस, अभी हमने बिस्किट भी ले लिए और बेकरी के बिस्किट, हाँ बेकरी के बिस्किट ले लिए। और गाइस, अभी हम जा रहे हैं सीधा केक लेने। इधर मैंने केक का प्राइस पूछा तो यहाँ पे सस्ता था, जहाँ से मैंने मंगाया वहाँ पे तो महंगा था। अब पता नहीं गाइस इसका केक कैसा है, उसका केक कैसा है। इसके तो मैंने केक खाए हुए हैं, अच्छे ही रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। अब वो वाला देखते हैं गाइस कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो चलते हैं सीधा अभी केक की दुकान पे, और वहाँ से गाइस हम केक उठाते हैं और जाते हैं सीधा घर। सो गाइस, अभी मैं रुक चुका हूँ, मैं समोसे लेने आया हूँ। मेरे को बड़ा मन कर रहा था समोसे खाने का, क्योंकि गाइस जब भी मैं नगरोटा आता हूँ समोसे और बिस्किट लेकर जाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं समोसों की दुकान पे हूँ, समोसे ऑर्डर किए मैंने 10। तो देख सकते हो गाइस फ्रेशली बने हुए हैं, जस्ट अभी बन ही रहे हैं समोसे। तो गाइस समोसे लेंगे, घर जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर बाकी काम करेंगे अपना, केक कटिंग वगैरह का जब पापा आएंगे, पापा का वेट करेंगे हम।
तो देख सकते हो गाइस, ये है हमारा नगरोटा, नगरोटा सिटी है ये मार्केट, देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी भैया पैक कर रहे हैं हमारे समोसे। सो गाइस हमने पेमेंट कर दी 120 के 10 समोसे आए यहाँ पे, 12 रुपए का एक समोसा एंड टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। सो गाइस अभी हमने समोसे ले लिए, तो अभी हम रोड पार करते हैं और जाते हैं सीधा हम अपनी गाड़ी में और निकलते हैं सीधा घर। हमने गाड़ी थोड़ी आगे लगाई है क्योंकि गाइस यहाँ मार्केट है तो गाड़ी रोकने की जगह बहुत कम रहती है। तो गाइस हमारी गाड़ी लगी हुई है सामने, देख सकते हो गाइस। तो चलते हैं सीधा और जाते हैं सीधा घर, तो मिलते हैं सीधा आपको गाइस अभी केक की दुकान पे, जहाँ हम अभी केक लेने जा रहे हैं तो सीधा आपको दुकान पे ही मिलते हैं। ओके सो गाइस अभी हमने केक ले लिया है, तो बस पैक कर रहे हैं, नाम लिखवा रहे थे, बस पेमेंट करेंगे और डन हो जाएगा हमारा काम, फिर हम सीधा घर जाएंगे। सो गाइस अभी हमने केक भी ले लिया है और ये है हमारा मम्मी का कैंडल्स 39 वाली कैंडल। और गाइस यहाँ पे हमको हमारा कोई दोस्त मिल गया, हम नहीं इसको जानते पर गाइस ये हमको जानता है, ये केक ना गिरा दे, देख सकते हो गाइस। पर इनको बिस्किट डालो, वहाँ से पैसे लेकर आ और इसको एक बिस्किट डाल दे गाड़ी से लेकर आ। सो गाइस अभी मैंने लड़के को बोल दिया इसको बिस्किट डालने को, ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा गाइस, ये मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे को बोल रहा है मेरे साथ रहें, इसके साथ कहाँ रहूँ गाइस, घर जाना भी ज़रूरी है, देख सकते हो गाइस। हेलो हेलो, इसके साथ इसके दो और चमचे आ गए गाइस। और क्या हाल है, ठीक है, देख सकते हो गाइस, इसको अभी हम बिस्किट डालेंगे, इसके दो जवान, ये शायद इनका पिता है, इनका फादर है शायद से, जल्दी आ जल्दी, देख सकते हो गाइस। सो गाइस बिस्किट भी दे दिए हमने इनको और अब हम जाएंगे सीधा घर। अब हमारा सभी काम कंप्लीट हो गया है, मम्मी के लिए गिफ्ट भी ले लिया, केक भी ले लिया, और तो अभी कुछ बचा नहीं है, अपने लिए समोसे वगैरह भी ले लिए। अभी हम जाएंगे सीधा घर और फिर पापा के आने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम केक कटिंग करेंगे, तो अभी मिलते हैं सीधा घर पे आपको। सो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और देख सकते हो गाइस, सबसे पहले हमारे आगे हमारे डॉग्स नहीं, हमारा प्यारा लड़का आ गया है, और ये हमारा जोजो, ये हमारी नोनो, हमारी पेरू अभी गायब हुई है, पेरू 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 बेबी, ये निकली गाइस हमारी पेरू, नीचे छुप के बैठी थी, देख सकते हो गाइस इन्होंने पूरा बेड तोड़ दिया है नीचे से, और क्या बोलते हैं शीट वीट फाड़ दी है पूरी। ये हमारा जोजो है, हमारी नोनू, नोनू बेबी, नोनू बेबी, ये हमारी नोनू गाइस, और ये है इनका रखवाला हमारा मोची, देख सकते हो गाइस। हेलो कर मोची, कार्तिक हेलो कर हाथ से। हाँ और गाइस अभी हमारी मम्मी सोई हुई है अंदर, देख सकते हो गाइस एकदम रेस्ट मोड ऑन। सो गाइस अभी आपको हम मिलते हैं सीधा केक कटिंग के टाइम, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस अभी केक कटिंग का वक्त आ चुका है और अभी हम सारे बैठ चुके हैं यहाँ पे घर के मेंबर्स केक काटने के लिए, तो देख सकते हो आप। तो चलो गाइस अब काटते हैं केक और देखते हैं, अभी काटो, फूंक मारो, पहले बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। चलो सबसे पहले जोजो को खिलाओ। सो गाइस हमारा जोजो भी बैठा हुआ है यहाँ पे बर्थडे बनाने,
सो पापा को बुला। सो गाइस ये सिमरन को केक खिलाते हुए जोजो को भी तो जोजो को लगाओ जोजो के मुंह। जोजो हमारा केक नहीं खाता है गाइस। जो भी कर रहा है पूछी जो भी खा रहा है केक उधर उधर जो जो को तो पहली बार केक खा रहे खिलाओ खिलाओ। सो गाइस हमारे जो जो ने भी आज पहली बार केक खाया। वो देखो गाइस पहली बार हमारा जो जो केक खा रहा है, नहीं तो केक नहीं खाता। और भाग गया हमारी पेरू, इनको भी तो खिलाओ। सो गाइस अब पेरू की केक खाने की बारी। पेरू को भी खिलाएंगे केक। यम्मी है पेरू। पेरू को तो यार यम्मी है। पेरू गाइस केक नहीं खा रही। नोनू का है। नोनू नोनू गाइस नोनू खा रही है केक। सो गाइस हमने लाए था मम्मी के लिए एक गिफ्ट, तो देखते हैं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। ये क्या है? खोल के देखो। खोल के देखो खोल के देखो। कल लेकर आया था क्या? एक नंबर है। खोल के देखो ना। सो गाइस मम्मी को शायद पसंद आया सूट। मम्मी कैसा लगा? अच्छा इधर से देखो कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। खोल के देखो कैसा है। इसको सिलवाना पड़ेगा। अच्छा लगा? सो गाइस मम्मी को शायद सूट पसंद आया। तो अब होता है द एंड। हमने केक भी काट लिया, गिफ्ट भी दे दिया। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।